कहाँ मर गए यार। हेलो, रूम पे नहीं हो गया यार? इतनी देर से बाहर से यार लॉक कर रहा हूँ, सुन तो लो। गेट खोल। भाई रिवाइव तो दे, पानी देना। यार पानी में नहीं है, पानी में सेट कर दे। यार पानी में नहीं है, चल निकल यहाँ से। डीपी है, डीपी चाहिए, डीपी है, डीपी। स्टार्ट। क्या चल रहा है अबे? अरे अरे क्या हुआ यार, आज तो खेलने दे, संडे आज पबजी संडे। वो सब आज क्या चल रहा है लाइफ में, क्या चल रहा है कुछ पता भी है? आज कौन सा दिन है पता है? संडे है यार, पता है तो पबजी डे, आज चिल मार रहे हैं हम। पता है इसका मतलब भाई? वोट दे के आया हूँ आज तो। क्या हो गया, एटलीस्ट हमने पूरा दिन घर पे तो बिताया, धूप में बाहर तो नहीं घूम रहे ना? दिन बर्बाद नहीं गया, दिन बर्बाद नहीं गया। क्राउन वन से एस पे आ गया मैं, बट तुम नहीं सुधरोगे भाई। एक वोट से पता है क्या चेंज आ जाता है? क्या चेंज आ जाता है तुम बताओ। चेंजेस का तो पता नहीं यार, बट मैं नहीं चाहता कि मुझे बाद में गिल्ट फील हो कि मैंने किसी एक गलत नेता को चुन लिया। ऐसा नहीं होता यार, सबके अपने अपने चॉइसेस हैं। फिर तुम ही जैसे बंदे फिर धरने पे बैठ जाएंगे, जी हमें तो ये चाहिए था, ये क्यों मिल गया यार। राइट टू वोट सबको अपना, हमारे जब यूथ ही आगे नहीं बढ़ेगा तो घंटा कुछ उखा देंगे क्या हम? थोड़ा तो टाइम लगाओ यार, थोड़ा तो इन चीज़ों से थोड़ा तो बाहर निकलो। दुनिया में क्या चल रहा है, सारी प्रॉब्लम्स जब होती हैं तब तुम्हें याद आता है कि हमें ये नहीं था यार, हमें ये चाहिए था। उसके बाद थोड़ी ना होता यार ऐसा। चल तू बता किसको वोट दें, एक ऐसे नेता को वोट दें जो बाहर विदेशों में घूम रहा है, या एक ऐसे नेता को वोट दें जो आलू डाल करके दूसरे में से सोने निकाल सोना निकाल रहा है। किसको वोट दें? एक पप्पू है, किसको वोट दें? एक ऐसा ऐसा एक इंसान जो पीएम बनना चाहता है जिसको देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है, किसको वोट दें तू बता। सबको सोचने का एक वो है, तुम इस चीजों से बाहर निकलोगे, कौन बंदा क्या काम कर रहा है बाहर, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है, इन पिछले 60 साल में क्या हुआ और अब क्या हुआ, इन चीजों को देखकर अपना राइट टू वोट यार और किस लिए है? सब चीज तुम्हारे हाथ में है, कैसे देना है वोट, क्या करना है, इट्स ऑल अप टू यू ब्रो। आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे नहीं लगता यार कि हमारे एक वोट से कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, हर एक वोट से फर्क पड़ता है, कौन किसको क्या वोट दे रहा है, अब ये किसको दे रही है, ये किसको देता है, तुम किसको वोट तो दो यार। एटलीस्ट इससे ये पता चलता है कि हाँ कुछ, अगर कोई देश में कुछ चल रहा है तो कि हाँ इस पे अगर वोट पे अगर वोट दिए जा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि ये वोट कहाँ दे रहा है, ये कहाँ दे रहा है, ये कहाँ दे रहा है। एक एक क्वांटिटी तो बनती ना उस चीज़ की, इससे पता चलता है कि हाँ लोगों इंटरेस्टेड है कि देश का कौन क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा? अब सभी ऐसे बोलने लग जाए तो भाई वोट तो फिर रहेंगे ही। मेरे ये बोल दे मेरे इस वोट से क्या होगा, वोट देना चाहिए भाई, सबको अपना अधिकार है। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया आपको कुछ पता है? नहीं पता, विदेश यात्रा की है सिर्फ और कुछ नहीं किया। डिमोनेटाइजेशन लाने से ये देश बदलता नहीं है। आज तक कभी भी किसी भी पिछले 60 साल के अंदर कोई भी अगर हमारा जवान मरा है उसके लिए किसी ने कुछ किया है? नहीं किया। हमारा किसी को पता है हमारा कौन था प्राइम मिनिस्टर? बस ये देखा होगा कि हाँ वो चुप बैठा रहता था, सिर्फ याद भी किया होगा कभी तो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे याद किया होगा कि प्राइम मिनिस्टर का नाम, नहीं तो किसी को कुछ नहीं पता। आज बच्चे बच्चे को पता है हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, भले इसको मतलब नहीं पता प्राइम मिनिस्टर का, फिर भी वो जानता है कि यार 60 साल में एक भी जवान का किसी का कुछ केस आया है?
किसको हमने कुछ बतला लिया कुछ, इस बंदे ने अकेले मतलब अकेले यार सर्जिकल स्ट्राइक इस नॉर्मल नहीं है एयर अटैक, अपने देश का एक सिपाही किसी दूसरे देश में जो फंस गया हो उसको वापस लाना कोई नॉर्मल नहीं यार। पिछले 60 साल में पता चला कौन गया कौन कब आया कुछ नहीं पता चलता यार, चेंजेस हैं भाई चेंजेस हैं, तुम देखोगे तभी तो पता चलेगा। भाई तो अब तुम ही बता दो अब हम क्या करें। भाई करना क्या है, वोट देना है और क्या करोगे, वोट दो ब्रदर। अच्छा ये तो बता हम किसको वोट दें। भाई ये तुम पे डिपेंड करता है, इसको कौन अच्छा लगता है, इसको कौन अच्छा लगता है, तुमको कौन अच्छा लगता है, तुम्हें जो अच्छा लगता है उसको वोट दो। मैं थोड़ी ना कह रहा कि तुम किसी एक को ही वोट दो, वोट तो दो एटलीस्ट यार, ये अपना अधिकार है ब्रदर, कोई बाहर वाला नहीं आएगा, हमें खुद वोट देना पड़ेगा यार। अब तक छोटे थे तब कुछ नहीं पता था यार, धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ बढ़ती जाती है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आती जाती है ब्रदर, वोट तो दो यार एटलीस्ट वोट तो दो। मेरे साथ कोई चल रहा है, मैं चला रहा हूँ। हाँ मैं भी चल रही हूँ। हमने वोट दिया और आप भी वोट दें। आपके पास है राइट टू वोट तो अपना वोट जरूर दें। आपके एक वोट से कितने कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो कि हमने एक सही नेता नहीं चुना। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे नहीं पता यार तुम जूते फेंक के मारो या तुम खुद ही कूद जाओ, वो लाल बटन है ना सब्सक्राइब की वो दब जानी चाहिए। क्या देख रहे हो, कमेंट बॉक्स खाली है, भर दो सजेशन से।